आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अमेरिका के किसान और भारत के किसान दोनों में अंतर क्या है, क्यों आज अमेरिका के किसान इतने दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं और भारत के किसान मतलब जिस स्थान पर है उससे आगे मतलब उनमें बहुत ही कम प्रगति हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यदि अंतर जानने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि भारत की करंट पॉपुलेशन और अमेरिका की करंट पॉपुलेशन। देखिए जो हम लोग का देश इंडिया है ये मतलब इसकी मतलब पॉपुलेशन के मामले में यदि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यदि 2022 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 133 करोड़ है, 133 करोड़ है, जबकि अमेरिका की कुल जनसंख्या 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार 32 करोड़ है। पहला हम लोगों ने पॉइंट जान लिया कि जो भारत की जनसंख्या है 2022 के अनुसार वह 133 करोड़ है और जो अमेरिका है इसकी जनसंख्या 2022 के अनुसार 32 करोड़ है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार ऐसे लिखते हैं, भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जबकि अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। देखिए ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मतलब इंडिया है इस यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और जो मतलब जो लैंड है इंडिया का वह अमेरिका के मुकाबले कम है। जहाँ भारत का स्थान क्षेत्रफल के मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है, वहीं अमेरिका के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व में तीसरे नंबर पर है और अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ है और यहाँ पे भारत के मुकाबले जो लैंड है वह बहुत अधिक है। और भारत में ये सेम सिचुएशन नहीं है, भारत में जो करंट पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है अमेरिका के मुकाबले और जो मतलब जो लैंड है वो भारत का अमेरिका के मुकाबले कम है। तो ये दोनों अंतर आप लोगों ने समझ लिया, अति लैंड हो गया और पॉपुलेशन हो गया। अब तीसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अंतर ये है कि भारत में अधिक भारत की
अत्यधिक अत्यधिक जनसंख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, कृषि कृषि पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, जबकि जबकि अमेरिका की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या कम से कम कृषि पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि अमेरिका के लोग अधिक साक्षर होते हैं, अत्यधिक साक्षर होते हैं भारत के मुकाबले यहाँ अमेरिका का साक्षरता दर 100% है, 100% है, वहीं भारत का साक्षरता दर 74.05% है। ये 0.4 हो गया। देखिए 0.4 है वो क्या कर रहा है, 0.4 का कहने का मतलब है कि जो मतलब भारत और अमेरिका है, मतलब जो भारत का साक्षरता दर है वो 74.5% है और अमेरिका का साक्षरता दर 100% है, इसके कारण है। अब देखिए अधिक से अधिक लोग जब साक्षर होंगे तो वह कृषि पर मतलब निर्भर करना कम चाहेंगे, और जब लोगों की साक्षरता दर अधिक होगी तो मतलब वो कृषि पर अधिक मतलब निर्भर नहीं है, और जब लोगों की साक्षरता दर ही नहीं कम होगी तो लोग अधिक कृषि पर भी निर्भर कर सकते हैं, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। और अमेरिका में अधिक से अधिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री में ही अपना काम करते हैं, और इंडिया में अमेरिका के मुकाबले उतनी अमेरिका में जितनी इंडस्ट्री है उतनी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक से अधिक लोग अत्यधिक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। अब इंडिया का जो स्टेट बिहार है इसमें एक भी इंडस्ट्री नहीं है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितना इंडस्ट्री हो सकता है, इतना बड़ा राज्य है भारत का बिहार जो कि करंट पॉपुलेशन के मामले में तो बहुत ही बड़ा है, और इस लैंड भी इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा एक्वायर करता है बिहार, लेकिन बिहार की राजधानी जो पटना है वेल डेवलप्ड सिटी है, बिहार का कैपिटल है, और वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो कैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो ये मतलब बिहार में अधिक से अधिक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, और सारे राज्य में भी हैं। तो ये आपका चौथा कारण हुआ अमेरिका और भारत के किसान में। अब पांचवें कारण की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा कारण है कि भारत में लोग पुराने हथियारों का उपयोग कृषि में करते हैं जबकि अमेरिका के किसान
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अमेरिका के किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं देखिए जो भारत में मतलब जो पुअर फार्मर है वो मतलब पुराने इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, और जो अमेरिका में किसान धनी है क्यों है, क्योंकि उनके पास लैंड अधिक है। जब लैंड अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा, और जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो उनके पास पैसे अधिक आएंगे, और जब पैसे अधिक आएंगे तो अधिक से अधिक सामान खरीद पाएंगे। ये सिचुएशन है अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और इसमें स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, कम से कम लोग अमेरिका में खेती करना चाहते हैं। और भारत में ये सिचुएशन नहीं है, इंडिया की अमेरिका के मुकाबले लैंड भी कम है, अमेरिका के मुकाबले इंडिया की करंट पॉपुलेशन अधिक है, लैंड कम पॉपुलेशन अधिक। और मतलब जब लोग खेती करेंगे तो मतलब इनके पास लैंड भी उतना अच्छा खासा नहीं है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर पाए और अधिक से अधिक पैसा कमा पाए। तो ये कारण हुआ आपका पाँचवा। और जो अमेरिका के किसान हैं वो मतलब कोई भी सॉइल में बीज डालने से पहले वो सॉइल टेस्टिंग करेंगे। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को बुखार है और उसको हम खांसी का दवा दे दें तो वो ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और इंडिया में वैसी सिचुएशन नहीं है, इंडिया के लोग मतलब विदाउट सॉइल टेस्टिंग मतलब खेती कर देते हैं। ये आपका छठा कारण हुआ। अब आपको हम आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल हमारा जो है वो पसंद आया होगा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा कुछ दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भारत और अमेरिका के किसान में आपको समझ में आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।